हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ टिप्स। दोस्तों, गर्भावस्था हर महिला के लिए एक अनोखा अनुभव होता है। इस दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं जो कि गर्भवती महिला के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान होने वाली आम समस्याओं में से एक है कब्ज, और कब्ज होने की वजह से पेट साफ नहीं हो पाता है और मल त्याग करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। बेशक कि गर्भावस्था में कब्ज होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन इसका उपचार करना बहुत जरूरी होता है। और अगर गर्भावस्था के दौरान इस कब्ज को ठीक न किया जाए तो इससे अन्य कई समस्याएं पैदा हो सकती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान जो कब्ज की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसके लक्षण के बारे में और साथ ही साथ उसके घरेलू उपचार के बारे में। तो वीडियो को जरूर देखिए एंड तक बिना स्किप किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भावस्था में कब्ज के कारण क्या क्या हो सकते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे गर्भावस्था में कब्ज के लक्षणों के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल हेल्थ टिप्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान कब्ज के कारणों के बारे में कि वो कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है हार्मोनल चेंजेस। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल चेंजेस होना कब्ज का सबसे अहम कारण माना जाता है। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से होता क्या है कि जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है उसका स्तर बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो पाचन क्रिया होती है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है और उसकी वजह से कब्ज की समस्या काफी ज्यादा पैदा हो जाती है। इसका दूसरा और मुख्य कारण है पानी की कमी की वजह से। गर्भावस्था के दौरान अगर आप पानी का कम सेवन कर रहे हैं तो ये मुख्य कारण माना जाता है आपकी बॉडी में कब्ज होने का। अगर शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन पानी नहीं पिया जा रहा है तो इससे कब्ज की समस्या जरूर आपको हो सकती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में माना गया है कि ये जो कब्ज की समस्या है ये खासकर पानी की कमी की वजह से तीसरी तिमाही में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। इसी वजह से पानी पीने के फायदे में कब्ज के ठीक होने को भी गिना गया है। इसका तीसरा कारण है फाइबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आहार में फाइबर की कमी करते हैं तो इसकी वजह से भी आपके शरीर में कब्ज की समस्या पैदा हो सकती है। इस समस्या को आप फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करके भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर जो होते हैं वो हमारे पाचन तंत्र को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। इसका चौथा कारण है दवाइयाँ। प्रेगनेंसी में कब्ज का एक कारण इस दौरान ली जाने वाली दवाइयाँ भी हैं। इस दौरान ली जाने वाली आयरन, मैग्नीशियम व सल्फेट जैसी दवाइयों के कारण भी कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो बड़ी आंत होती है वो प्रभावित हो जाती है और उसके कारण जो कब्ज की समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है। इसके छठवें कारण की बात करूं तो वो है मलाशय पर दबाव बनना। गर्भावस्था में कब्ज की समस्या के गंभीर होने का कारण मलाशय पर पड़ने वाले दबाव को भी माना जाता है। जैसे जैसे गर्भवती प्रसव के नजदीक पहुंचती है वैसे वैसे गर्भाशय पर दबाव पड़ने लगता है, जिस कारण से कब्ज की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका सातवां कारण है आंतों के मार्ग में रुकावट आना। गर्भावस्था के दौरान आंतों में रुकावट आ सकती है जिसकी वजह से भी कब्ज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस बारे में आपको दूसरी या तीसरी तिमाही में नॉर्मली पता चल जाता है। इसके दौरान उल्टियों के साथ आपको पेट में दर्द भी बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं गर्भावस्था में कब्ज के लक्षणों के बारे में, आखिर इसके सिम्टम्स आपको क्या नजर आएंगे। इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि अगर आपको एक वीक में तीन या तीन से कम बार आपको शौच आता है तो ये इसका सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। दूसरा इसका लक्षण है मल निकासी के समय अगर आपके मल द्वार में दर्द होता है और साथ ही साथ आपके पेट में भी दर्द होता है। तीसरा इसका लक्षण है कि शौच करते समय पेट खाली होने का एहसास नहीं होता है, ऐसे लगता है कि हमारे पेट में अभी भी कुछ रह गया है। चौथा इसका लक्षण है कि आपको बहुत ही ज्यादा कठोर सख्त मल आएगा और साथ ही साथ मल को निकालते समय बहुत ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपके गर्भावस्था के दौरान कॉन्स्टिपेशन के कुछ लक्षण। और अंत में हम बात कर लेते हैं गर्भावस्था के दौरान जो कब्ज की समस्या होती है उसके घरेलू उपाय के बारे में। गर्भावस्था एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि आप विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की कोई भी दवा नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने खान पान में सुधार कीजिए। इसका पहला उपाय है संतरा। इसमें आपको करना क्या है कि एक से दो संतरे आपको लेने हैं और दिन भर में आपको एक से दो संतरे का सेवन करना है। गर्भावस्था में संतरे का सेवन बिल्कुल सुरक्षित माना गया है क्योंकि संतरे में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है जिससे कि कब्ज के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि गर्भावस्था में कब्ज के घरेलू इलाज में संतरे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो संतरा है वो आपका मीठा होना चाहिए, खट्टा संतरा आपको नहीं खाना है क्योंकि उसकी वजह से आपका गला खराब हो सकता है। दूसरा उपाय आपका है कि आप सूखा
आलूबुखारा इसमें ले सकते हैं। इसमें आप सूखे आलूबुखारे का सेवन भी कर सकते हैं या फिर आप आलूबुखारे के जूस का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आलूबुखारे में भी काफी ज्यादा फाइबर की मात्रा होती है। इसमें फ्रक्टोज बहुत अच्छी मात्रा में होता है, सॉर्बिटॉल अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फेनोलिक यौगिकों की भी बड़ी मात्रा होती है। इसके सेवन से आपका पेट काफी आसानी से साफ हो जाता है और आलूबुखारा जो है वो आपकी गर्भावस्था के दौरान काफी सुरक्षित माना गया है। इसका तीसरा उपाय है अलसी। अलसी को भूनकर या फिर पीसकर उसका पाउडर आपको बना लेना है, जिसे कि आप किसी भी सब्जी में या फिर सैलेड के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसका चूरण बनाकर अपने रोटी के आटे में भी मिला सकते हैं। अलसी में मूसिलेज यानी कि एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि लैक्सेटिव गुण को प्रदर्शित करता है। इसी वजह से अलसी का सेवन कब्ज की समस्या को ठीक करने में काफी ज्यादा मदद करता है और साथ ही साथ इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर भी पाया जाता है जो आंतों को साफ कर कब्ज से राहत दिलाने में काफी मदद करता है। और इसके साथ ही अलसी में ओमेगा फैटी एसिड भी मौजूद होते हैं, इसीलिए गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन फिर भी इसका सेवन करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। इसका चौथा उपाय है इसबगोल। एक ग्लास ठंडे पानी में एक चम्मच इसबगोल आपको मिक्स करना है, फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसबगोल में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, इसीलिए लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपकी कब्ज की समस्या इससे दूर हो सकती है। फाइबर के साथ ही इसमें म्यूसिलगिलस पाया जाता है जो कि एक तरह का गोंद होता है। इन्हीं गुणों के कारण इसबगोल कब्ज की समस्या को कम कर सकता है और गर्भावस्था में इसबगोल का सेवन बिल्कुल सुरक्षित माना गया है। इसका पांचवा उपाय है पेम्परमिंट या फिर नींबू इसेंशियल ऑयल। इसमें आपको नींबू या फिर पेम्परमिंट इसेंशियल ऑयल की एक से दो बूंदें लेनी है और साथ ही आधा चम्मच जैतून या फिर बादाम का तेल लेना है। इसमें किसी भी इसेंशियल ऑयल को आप बादाम या जैतून के तेल के साथ मिलाइए। अब इस मिश्रण से आप पेट की हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश आपको तकरीबन 10 से 20 मिनट तक करनी है। अरोमा थेरेपी मसाज की मदद से भी घर में कब्ज का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि माना जाता है कि मसाज करने से भी मल त्याग करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है और इसकी आवृत्ति भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि गर्भावस्था एक नाजुक दौर होता है, इसलिए पेट की मसाज आप किसी विशेषज्ञ से ही करवाएं। इसका छठवां उपाय है कीवी। जी हाँ दोस्तों, आपको रोजाना एक कीवी का सेवन करना है और आप चाहें तो इसके जूस को भी पी सकते हैं। कीवी के सेवन से मल काफी ज्यादा मुलायम हो जाता है और मलद्वार के जरिए आसानी से बाहर निकल जाता है। प्रति 100 ग्राम कीवी फ्रूट में 2 से 3 ग्राम डाइट्री फाइबर होता है जो कि कब्ज को ठीक करने में अहम भूमिका निभाता है। कीवी में उपस्थित फोलेट की वजह से कीवी को गर्भावस्था में बिल्कुल सुरक्षित माना गया है। दोस्तों सातवां इसका उपाय है आप योगर्ट या फिर दही का सेवन करें। दही का सेवन आप नॉर्मल दही की तरह कर सकते हैं या फिर आप छाछ बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक्स जैसे लैक्टोबैसिलस और फिफिदो बैक्टीरियम जो कि मल को मुलायम करके मल निकासी में मदद करते हैं। और अंत में दोस्तों सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप कब्ज से बचाव कर सके, प्रिवेंशन इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन कीजिए। पानी के सेवन के साथ साथ आप और तरल पदार्थ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आप व्यायाम कर सके, क्योंकि व्यायाम करने से भी शरीर के अंदरूनी अंग बेहतर तरीके से काम करते हैं और इसके साथ ही साथ पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इसके साथ ही आप फल सब्जियों और साबुत अनाज खाएं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि आपको फल में क्या क्या खाना है, आप उन सब चीजों का सेवन कीजिए, फाइबर युक्त न्यूट्रिशन लीजिए और आप इसमें लैक्सेटिव का उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन लैक्सेटिव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से आप सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि गर्भावस्था के दौरान कब्ज किन किन वजह से होते हैं, उसके लक्षणों के बारे में और साथ ही साथ उसके घरेलू उपाय के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ टिप को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाय बाय।